हेलो गाइज, आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरे चैनल में पूरे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं गाइज। तो आज मैं आप लोगों के सामने लाइव मोनेटाइज करने वाला अपने चैनल को रिव्यू के लिए देने वाला हूं। तो सबसे पहले एक फॉर्म फिलअप करना होगा, तो इसके लिए मैं आज दूसरे का फ़ोन लिया हूँ, मेरे मामा जी का है। तो उनका फ़ोन से मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन ये रहा, मैं इसी फ़ोन से अभी मोनेटाइज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। और गाइज, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किए, मेरे वीडियोज़ को पसंद किए और अपने भाई को इतना साथ दिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब करके मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाए, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। तो चलिए मोनेटाइजेशन ऑन करने की कोशिश करते हैं। आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्ड भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे की जाती है। आप लोग तो आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं कि कैसे चैनल मोनेटाइज किया जाता है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले मैं YT स्टूडियो पर जाऊंगा। ये रहा मेरा YT स्टूडियो और ये ओपन हो गया। और सीधे देख सकते हैं नीचे कॉर्नर में यहाँ पर अर्न लिखा हुआ है, तो इस अर्न पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है और इसे मैं क्लिक करके अभी मोनेटाइजेशन ऑन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे पास एक बैंक ऑफ इंडिया का एक ATM कार्ड है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और सेम नाम मेरे वोटर ID पर भी लिखा हुआ है, तो मैं इसी एड्रेस को अभी देने वाला। तो फिलहाल अभी रख लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ गया स्टार्ट। पहला में है रिव्यू बेस टर्म, तो स्टार्ट लिखा हुआ है इसे, इस पर हमको पहले जाना होगा। और दूसरा ऑप्शन है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, कुछ जो एड्रेस देना होता है वह गूगल एडसेंस के लिए देना होता है। तो एडसेंस के लिए मैं इसी प्रूफ को दूंगा। और मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि आपका चैनल का नाम जो भी हो, लेकिन आप इस एड्रेस में जब भी भरिएगा एडसेंस अकाउंट खोलते समय, आपका अपना रियल नाम, जो अपना रियल एड्रेस है वही भरिएगा। क्योंकि गूगल एडसेंस से कहा जाता है कि एक जो पिन आता है वह पिन उसी एड्रेस पर आता है। अगर आप अलग अलग नाम देते हैं तो आपको चैनल लिंक करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मेरी सलाह रहे कि जो भी आपका रियल नेम है, जो भी आपका बैंक में नाम है, सेम एड्रेस और सेम नेम इसमें फिलअप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो देखिए थर्ड में लिखा हुआ है, मैं बता दूँ, गेट रिव्यू। तो इस को अभी तो छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग को काम करना होगा, पहला ऑप्शन का काम है, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ये टर्म्स आ गया, इसे हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। तो नीचे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तो ये एक नियम है, इसको हम लोग को टिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए एक्सेप्ट का बटन ऑन हो गया, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो अब थोड़ा बफरिंग हो रहा है, शायद नेट स्लो है या थोड़ा टाइम लेता है, तो देखते हैं कितना समय लगता है। टर्म्स एक्सेप्ट कर दिए हैं, देखिए। तो गाइज, ये पहली बार मेरा चैनल इतना मेहनत के बाद ये कर रहा हूँ ना, मेरे सीने में थोड़ा सा धड़कन तेज हो गया है। तो देखिए गाइज, फाइनली पहला जो स्टेप है हम लोग का डन हो चुका है, रिव्यू बेस्ड टर्म्स यहाँ पर सही टिक आ गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, और नेक्स्ट जो है सेकेंड वाला स्टेप, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना, वह सबसे खास है और सबसे सावधानी से बनाना होता है। लेकिन देखिए आप लोग को इतना चैनल मेहनत करने के बाद, और मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप लोग को वीडियो बना के दे रहा हूँ, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी सीखिएगा ये सोचकर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड में साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो ये गूगल एडसेंस के लिए हम लोग एक प्रोफाइल, एक अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो इससे अकाउंट में कहा जाता है पैसा जमा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तीन ऑप्शन आ गया, यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, और दूसरा है नो आई नीड टू क्रिएट वन। तो हम लोग क्रिएट वन में जाएंगे, ये बीच वाला ऑप्शन में, देखिए इसमें टिक कर दिए। अब यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट, देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है गूगल एडसेंस अकाउंट में, और ईमेल आईडी मेरा फ़ोन में लॉगिन है, तो चारों दिखा रहा है। तो आप जिस अकाउंट से बनाना चाहते हैं उसको चूज़ कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल जिस अकाउंट में है, जिस ईमेल आईडी में है, मैं उसी के चूज़ करूँगा। तो ये रहा मेरा, इसको मैं चूज़ करता हूँ। और आप लोग ये चेक कर लीजिए गूगल में जाके, गूगल एडसेंस में जाके, कि
आपका पहले से गूगल एडसेंस बना हुआ है या नहीं। तो मैं चेक कर चुका हूँ कि गूगल एडसेंस नहीं बना हुआ है, मैं बता दूंगा। एक दूसरे तरफ एक स्क्रीनशॉट आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि अकाउंट नहीं बना हुआ रहता है तो किस तरह का वहाँ शो होता है। तो मैंने इस ईमेल आईडी से लॉगिन करके चेक कर चुका हूँ। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, तो ईमेल आईडी चूज करते हैं। तो गाइज ये एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो देखिए मेरा यूट्यूब चैनल में जो है योर वेबसाइट में लिंक पहले से आ गया है, इसे मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। और नीचे आ रहा ऑप्शन देखिए, मेरा जो ईमेल आईडी है ऊपर में शो हो रहा है, मेरा नाम शो हो रहा है। तो मेरा नाम और ईमेल आईडी खैर अलग नाम से बना हुआ है, लेकिन नीचे जब भरना होगा तो उसमें अलग कुछ भरेंगे, रियल नाम देंगे। तो देखिए गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यहाँ सेकेंड यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, यस आई सेंड कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन। तो गाइस इसमें पूछा जा रहा है कि आपको एडसेंस बनने के बाद भी सजेशन चाहिए, कुछ अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी चाहिए। तो यस हमको चाहिए, इसीलिए मैं यस पर क्लिक करूँगा। यस हो गया। और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर कंट्री फॉर ट्रिटरी। तो अपना कंट्री मैं यहाँ चूज़ करूँगा, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं आप जिस देश में रहते हैं, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, भारत मेरा देश है, भारत मेरी माँ है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। कहाँ गया इंडिया, इंडिया चाइना दिखा, इंडिया कहाँ है भाई। तो गाइस ये रहा इंडिया, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब देखिए इंडिया के अनुसार कुछ अलग अलग देश के अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो भारत में जिस तरह की पॉलिसी बना हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे भी हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। तो नीचे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने जो टर्म और एग्रीमेंट जो भी है कंडीशंस को मैंने पूरी तरह पढ़ लिया हूँ और एग्री करता हूँ। तो ये एग्री तो करना ही होगा क्योंकि मैं एडसेंस अकाउंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर टिक करते हैं, देखिए टिक हो गया। अब यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए गाइस ये गूगल एडसेंस में फिर से रिडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म आएगा खुल के, तो उस पर हम लोग को सावधानी से भरना होगा। और इसके लिए मैंने पहले बताया कि ये जो कार्ड है सेम नाम लिखा हुआ है दोनों में, और मैं अपना रियल नाम दूंगा। तो ये मेरा वोटर आईडी रहा, इसी से मैं अभी ये फॉर्म फिलअप करूँगा। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन आया है अकाउंट टाइप, यहाँ पर अकाउंट टाइप लिखा हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन रहता है इंडिविजुअल और बिजनेस। तो क्योंकि मैं खुद से ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और काम करता हूँ अकेले, तो इसे मैं इंडिविजुअल ही रखूँगा क्योंकि मैं अकेले काम करता हूँ। और देखिए यहाँ नीचे मेरा ईमेल एड्रेस में जो भी नाम था वो आ गया है। तो यहाँ नेम के जगह में मैं अपना रियल नाम जो है वो मैं यहाँ पर भरूँगा। तो गाइस यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। और सबमिट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिडायरेक्ट यू टू यूट्यूब। तो गाइस अभी मेरा जो ये पेज है सीधे रिडायरेक्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो कुछ तरी इंतज़ार करते हैं। तो देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है शायद, यह धड़कन तेज हो रहा है। तो गाइस रिडायरेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया इन प्रोग्रेस, यहाँ पर इन प्रोग्रेस में आ गया। अब मेरा चैनल रिव्यू होगा, पूरा चैनल को खंगाला जाएगा कि किस तरह का कंटेंट है, एडसेंस के लिए अप्रूवल मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कहता हूँ कि प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, विश कीजिए कि मेरे लिए ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो गाइज आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है, और आप लोग को बताए थे लाइव, आप लोग को करके दिखाए थे कि कल अप्लाई किया था और पूरा 24 घंटा लगा मोनेटाइज होने में। तो पूरी तरह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो अब मेरे चैनल में भी पैसे आएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और इसी तरह अपने भाई पर प्यार बना कर रखिए, सपोर्ट करते रहिए। तो गाइज मिलते हैं इसी तरह के अगले नए ब्लॉग में। देखिए आज मैं चान्हों आया हुआ हूँ,
तो यहाँ का भी आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगा, तो देखते रहिए और मेरे चैनल बने रहिए। और आप लोग इतना सपोर्ट किए, साथ दिए, हालांकि एक साल पूरा लग गया मेरा मेहनत यहाँ करते करते, और अब जिम्मा तो बढ़ गया है, थोड़ा और अच्छा कंटेंट आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह चैनल में बने रहिए। तो जाते आते एक बार फिर से मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।